रीवा के सर्किट हाउस में दुष्कर्म के हुए सनसनीखेज वारदात के बाद महंत सीताराम का लगातार विरोध हो रहा है। कांग्रेसी इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए महंत की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महंत का पुतला दहन कर इसका विरोध किया। रीवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के ठीक एक दिन पहले स्थानीय सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में सतना की नाबालिग को जबरन शराब पिलाकर महंत का चोला ओढ़े सीताराम के द्वारा दुष्कर्म की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इसका विरोध हो रहा है। इस घटना के बाद कांग्रेसी इसे दुखद घटना बताते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में महिलाएं एसपी ऑफिस पहुंचकर बाबा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आम आदमियों को सर्किट हाउस में कमरा मिलता नहीं है, फिर एक अपराधी को कैसे मिल गया? ये जांच का विषय है कि किस नेता के इशारे पर कमरा बुक किया गया। वहीं इस घटना के विरोध में कॉलेज चौराहे में एनएसयूआई द्वारा महंत सीताराम का पुतला दहन किया है और महंत की गिरफ्तारी की मांग की है। दीदी आज ज्ञापन बोला कुछ ना बोला आपने, आप ज्ञापन दिया है, क्या मामला है, किस विषय को लेकर के आपने ज्ञापन दिया था? आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रीवा पधार रहे हैं। उनके आने के पहले रात्रि को एक नाबालिग बालिका के साथ राजनिवास में, जिस राजनिवास में स्वयं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और देश के जो सर्वश्रेष्ठ राजनयिक होते हैं वो विश्राम करते हैं। अतिथि गृह है हमारे रीवा की, आन बान और शान है, मुझे लगता 100 बरस से वहाँ अतिथि विश्राम गृह रहा। वहाँ पर एक अपराधी जो संत का चोला पहना था और जो कह रहा था कि 1 तारीख से हमारे रीवा में समदड़िया मॉल का उद्घाटन होगा, कथा होगी, खूब होर्डिंग पोस्टर पूरे रीवा में लगाया, जगह जगह चंदा उगाही की खबरें आ रही थी। उस अपराधी संत का चोलाधारी भ्रष्टा बलात्कारी द्वारा एक नाबालिग बालिका की के साथ बलात्कार किया गया, अस्मत लूटी गई और उसके बाद वो गायब है। वो सफ़ेद पोश अपराधी एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का नाती आप सब जानते हैं, इसीलिए अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम सब मांग करते हैं कि सफ़ेद पोश अपराधी को फांसी दी जाए चौराहे पर खड़ा करके। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि मैं बहनों का भाई हूँ और भांजियों का मामा, तो उस भांजी की जिसने अस्मत तार तार करी है तो बुलडोजर मामा उसके घर पर कब बुलडोजर चलाओगे? उसको क्या चौराहे में फांसी दोगे? या अस्मत उस बिटिया की लूटी गई है तो क्या भरे एसएफ ग्राउंड के मंच से आज आप रीवा वालों से, बेटियों से, बहनों से माफ़ी मांगोगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम ये गंगा जल लेके आई हैं हमारी बहनें और हम जा रहे हैं राजनिवास इस गंगा जल को लेकर पवित्र करने के लिए। और हमने एसपी से टाइम मांगा है शिवराज सिंह जी से मिलने का, हमारी आपकी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बताएं कि हमको, हमसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रिय मामा कब हमें समय देंगे या छुपते छुपाते रीवा से भाग जाएंगे। जगह जगह पुलिस हमें रोक रही है, हमें कहीं आने नहीं दिया जा रहा। हम राजनिवास जाना चाहते थे शुद्धिकरण के लिए ये गंगा जल लेके, तो हमें राजनिवास नहीं जाने दिया गया, हमें एसएफ ग्राउंड नहीं जाने दिया गया। तो क्या हम भांजियाँ नहीं हैं क्या? उस जो बालिका के साथ जो अत्याचार अनाचार हुआ है, क्या वो बिटिया को न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो यदि माननीय मुख्यमंत्री रीवा आए हैं तो हम गंगा जल से उनकी शुद्धि करेंगे। आज हम लोगों ने कॉलेज चौराहा में सीताराम बाबा, जो कि उर्फ सामर्थ्य त्रिपाठी नाम है उनका, उन्होंने उनको समदड़िया द्वारा
कथावाचक के रूप में रीवा बुलाया गया था। वो कथावाचक के रूप में आए थे, वो सर्किट हाउस में रुके हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सरकारी कर्मचारी और सिर्फ उनके लिए सर्किट हाउस खुलता है नेताओं के लिए, तो सर्किट हाउस किसके संरक्षण में खुला, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि, सांसद जी हों, राजेंद्र शुक्ला जी हों, कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आके इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा? हम लोगों ने आज सीताराम बाबा का पुतला दहन किया है और एसपी साहब से मांग की है कि इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे सभी छात्र नेतियों और सभी छात्राओं के साथ, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छात्रों के हित की लड़ाई लड़ता है। और ये जो शिवराज सिंह जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, अब ये बताइए कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कोई जनप्रतिनिधि सामने क्यों नहीं आ रहा, क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ? ये बताइए, विनोद पांडे ऑलरेडी 302 का अपराधी है, गोंडा में जेल काट के आया है, अभी तो उसके साथ घूम रहा है, वो सर्किट हाउस किसके कहने पे खुला? उसको वहाँ रोकने के लिए किसने व्यवस्था की? मैं उसकी सीताराम बाबा की, जो ढोंगी बाबा यहाँ कथा सुनाने आया था, उसकी तस्वीर वायरल हुई है कई सारी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी का करीबी बताया जा रहा है, मतलब गृह मंत्री जी का आदेश था। राजेंद्र शुक्ला जी आए ना सामने बेटी के लिए, बेटी बचाए ना, कब आएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सामने, कौन आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ इसमें कार्रवाई हो, और एसपी साहब इसको तत्काल कार्रवाई मिले। अगर 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 200 लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ मैं कलेक्ट्रेट के सामने घेराव में बैठूंगा। क्या नाम है आपका? नाम पंकज उपाध्याय, TRS कॉलेज नरसिंहवाई अध्यक्ष हूँ।